वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप कॉमर्स, फिनांस, अकाउंट्स या क्लास 11 से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं या आप बीबीए के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको लेजर चैप्टर से संबंधित एक महत्वपूर्ण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। राइट, आपने लेजर बनाने के लिए क्या हुआ सीखा होगा, अगर नहीं सीखा है उसका वीडियो क्या किया मैंने डाल दिया है। लेजर किसे कहते हैं, लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है, लेजर में पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, ये तमाम तरह का इन्फॉर्मेशन का वीडियो बना के मैंने ऑलरेडी क्या किया है सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल में क्या किया अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। राइट, तो आपने लेजर बना लिया। राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या किया आपने बना लिया, कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, राम्स अकाउंट, सियाम्स अकाउंट, मैसनरी, कार, कंप्यूटर्स, मोबाइल्स, सैलरी, रेंट, मतलब जितने भी तरह का अकाउंट है सब क्या किया आपने बना लिया। राइट, और किसमें बनाते हैं हम लोग, लेजर में। किसमें बनाते हैं हम लोग, लेजर में। और लेजर किसे करते हैं इस सब का मैंने क्या किया ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप वहां पर क्या करेंगे लिंक पे हिट करके प्रेस करके आप देख सकते हैं। राइट, तो लेजर आपने क्या किया बना लिया, और लेजर एक रजिस्टर्ड बुक होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। जैसे ये मेरा लेजर है। राइट, और इसमें मैं पहला वाला पेज में बना रहा हूँ कैश अकाउंट, पहला वाला पेज में मैं क्या बना रहा हूँ कैश अकाउंट मान लेते हैं, दूसरा वाला पेज में मैं क्या बना रहा हूँ सेल्स अकाउंट, परचेजेज अकाउंट फिर बना रहा हूँ, फिर आपका राम से अकाउंट, श्याम से अकाउंट बना रहा हूँ, फिर मान लेते हैं सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट बना रहा हूँ, मान लेते फिर मैसनरी या कंप्यूटर से, मतलब जितने भी तरह का अकाउंट है जिस लेजर में आपका बनाया जाता है, हर पेज में नया नया अकाउंट बनते चला जाता है, तो उसी हम लोग बुक या रजिस्टर को क्या बोलते हैं आपका लेजर। राइट, तो लेजर बनाने के लिए तो आपने सीख लिया। अब जब लेजर आपने बनाया तो किसी अकाउंट का डेबिट बैलेंस आया होगा, किसी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आया होगा, यही तो आ सकता है, या तो डेबिट बैलेंस आए या तो क्रेडिट बैलेंस आए या आपका किसी का बैलेंस ही नहीं आए। मान लेते हैं कि लेजर आपने बनाया, अकाउंट बनाया, डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल क्या हो गया, दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब उसका कोई भी बैलेंस नहीं आएगा, ना डेबिट बैलेंस आएगा ना क्रेडिट बैलेंस आएगा। राइट, तो आपने क्या किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बनाया, किसी का डेबिट बैलेंस आया, किसी का क्रेडिट बैलेंस आया, तो आखिर वो बनाया तो आखिर वो मैसेज क्या दे रहा है, अकाउंट्स क्या मैसेज दे रहा है ये तो जानेंगे ना। वो तो टोटलिंग आपने कर दिया, पोस्टिंग कर दिया, बैलेंसिंग कर दिया, सब बना लिया। बनाने के बाद कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता कि मैंने किया क्या है। राइट, अकाउंट्स लेजर क्या कर रहा है, बोल रहा है। लेजर क्या कर रहा है आपका, बोल रहा है, बिजनेस का सारा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। राइट, तो हम क्या करेंगे, देखिए मैंने बोर्ड पे क्या किया है, एज ए सेंटेंस के फॉर्म में मैंने लिख दिया है कि जब किसी अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस शो करेगा तो एक्चुअली वो मैसेज देता क्या है। तो चलिए इसके बारे में क्या करेंगे हम लोग इन डिटेल्स जानेंगे। राइट, तो सबसे पहले क्या है आपका, देखिए मैंने लिखा क्या है, अकाउंट्स लैंग्वेज, यानी जो अकाउंट्स है जिसका डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस आता है वो आपका भाषा है, वो आपको बोल रहा है, मैसेज दे रहा है, उस मैसेज को आपको क्या करना है समझना है। तो मैसेज को कैसे समझेंगे, अकाउंट्स का जो लैंग्वेज है, अकाउंट्स का जो लैंग्वेज है उसको आप जानेंगे तब तो आप उसका जो अकाउंट्स बना है जिसका डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस आया है आखिर वो बोल क्या रहा है समझेंगे। तो लैंग्वेज पहले क्या करेंगे, अकाउंट्स का जानेंगे, या बोल सकते हैं अकाउंट्स क्या करता है, बोलता है जी। अकाउंट्स क्या करता है, बोलता है, बिजनेस का डिटेल्स इन्फॉर्मेशन देता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, अकाउंट्स के लैंग्वेज को सीखना, अकाउंट्स बोल रहा है उसके बातों को समझेंगे। राइट, सबसे पहले क्या बोलता है देखिए, व्हेन पर्सनल अकाउंट्स शो डेबिट बैलेंस, यानी जब पर्सनल अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस शो करता है, जब पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो करता है इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स We will receive money from that person. मतलब जब आपका पर्सनल अकाउंट का आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट बैलेंस शो करेगा इसका मतलब उससे उतना पैसा मेरे को लेना है, उस व्यक्ति से मुझे उतना पैसा लेना है। क्या लिखा है, We will receive, एंड उस व्यक्ति से पैसा हम क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, जैसे आपका बिजनेस है। राइट, और आपका बिजनेस में राज का डेबिट बैलेंस 1 लाख शो कर रहा है, राज का डेबिट बैलेंस 1 लाख शो कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि राज से आपको कितना
कितना लेना है 1 लाख, कितना लेना है 1 लाख। मतलब किसी भी पर्सनल अकाउंट का, खासकर नेचुरल पर्सन का, अगर डेबिट बैलेंस शो करता है, इसका मतलब उस व्यक्ति से मुझे उतना पैसा लेना है। तो बस डेबिट बैलेंस शो किया, इसका मतलब समझ जाइएगा उस व्यक्ति से हमको पैसा लेना है। देखे अकाउंट क्या किया, बोलना स्टार्ट कर दिया है। फिर देखिए, वेल पर्सनल अकाउंट शोड क्रेडिट बैलेंस, यानी जब आपका पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस शो करता है, इट मीन्स वी विल गिव मनी टू दैट पर्सन। यानी जब किसी भी पर्सनल अकाउंट का आपका क्रेडिट बैलेंस शो करता है, खासकर नेचुरल पर्सन का, इसका मतलब होता है उस व्यक्ति को मुझे उतना पैसा देना है। गिव मतलब क्या, देना है, टू दैट पर्सन, बात समझे। तो क्लियर हो गया कि डेबिट बैलेंस शो करेगा इसका मतलब क्या, पैसा लेना है, और क्रेडिट बैलेंस शो करेगा इसका मतलब पैसा देना है। पर्सनल अकाउंट्स में ये नियम लागू होता है। तो अभी तक मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। तो देखिए अगला वाला, ये दोनों जो था, कौन सा अकाउंट रिलेटेड था मेरा, पर्सनल अकाउंट, कौन सा अकाउंट रिलेटेड था मेरा, पर्सनल अकाउंट, राइट। पर्सनल अकाउंट का मैंने बता दिया। अब देखिए, व्हेन रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट से मेरा, रियल अकाउंट। तो बोलता है व्हेन रियल अकाउंट शो डेबिट बैलेंस, और एक बात सुन लीजिए, रियल अकाउंट है उसका हमेशा कौन सा बैलेंस शो करेगा, डेबिट बैलेंस, कौन सा, डेबिट बैलेंस। अगर आप लेजर बना रहे हैं और कोई भी रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट किसे कहते हैं मैंने बताया है, जितने भी तरह का एसेट्स प्रॉपर्टीज होता है उससे रिलेटेड जो आपका अकाउंट होता है, कौन सा अकाउंट कहलाता है मेरा, रियल अकाउंट। कार, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, आपका जितने भी तरह का आपका ये सब एसेट्स है, कैश, गुड्स, ये सब क्या है आपका, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस शो करेगा, डेबिट बैलेंस, कौन सा, डेबिट बैलेंस। रियल अकाउंट का कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता, याद रखिएगा। अगर आप लेजर बना रहे हैं और किसी भी रियल अकाउंट का, मतलब असेट्स प्रॉपर्टीज का, अगर क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, कार, कंप्यूटर, कैश, गुड्स, फर्नीचर, मैशनरी, ये सब का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं पोस्टिंग, टोटलिंग, बैलेंसिंग में गलती कर रहे हैं, याद रखिएगा, बात समझे। तो रियल अकाउंट का हमेशा कौन सा बैलेंस शो करता है, डेबिट बैलेंस। तो जब रियल अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो करेगा, इट मीन्स दोज असेट्स आर अवेलेबल इन बिजनेस, मतलब वो जो असेट्स है उतना का बिजनेस में आपका अवेलेबल है। जैसे मान लेते हैं कैश का डेबिट बैलेंस 1 लाख शो किया, यानी कैश बिजनेस में कितना है आपका 1 लाख। अगर मैशनरी 5 लाख शो कर रहा है डेबिट बैलेंस, यानी बिजनेस में मैशनरी कितने का है 5 लाख का। मान लेते हैं फर्नीचर आपका 2 लाख का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, यानी फर्नीचर बिजनेस में कितने का है 2 लाख का। मतलब कोई भी आपका असेट्स का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, इसका मतलब वो असेट्स उतना का आपके बिजनेस में अवेलेबल है, राइट। और इसका तो क्रेडिट बैलेंस शो नहीं कर सकता। तो ये वाला कौन सा हो गया मेरा, रियल अकाउंट, कौन सा हो गया मेरा, रियल अकाउंट्स, राइट। अब देखिए, वे नॉमिनल अकाउंट शो डेबिट बैलेंस, अब कौन है आपका, नॉमिनल अकाउंट्स। जब नॉमिनल अकाउंट्स का कौन सा बैलेंस शो करता है, डेबिट बैलेंस। और नॉमिनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट्स किसे कहते हैं, सारा वीडियोस क्या है अवेलेबल है, आप जाके क्या करेंगे देख लेंगे। नॉमिनल अकाउंट्स जितने भी तरह का बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस होता है, लॉसेस होता है, प्रॉफिट होता है, इनकम्स होता है, ये सबसे रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं, कौन सा अकाउंट कहलाते हैं मेरा, नॉमिनल अकाउंट। तो जब नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो करेगा, इट मीन्स वी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑन दोज अकाउंट्स, यानी कि आपने उस चीज पे उतना खर्च किया है या आपको लॉस हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सैलरी का आपका 50,000 डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, इसका मतलब सैलरी पे आपने कितना खर्च किया 50,000। रेंट पे आपका मान लेते 30,000 शो कर रहा है डेबिट बैलेंस, यानी रेंट पे कितना खर्च किया आपने 30,000। मान लेते बैड डेट्स जो है वो आपका 10,000 शो कर रहा है, यानी आपने उधार जो सामान बेचा कितना का डूब गया आपका पैसा 10,000 का। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सब भी आपको शो कर रहा है डेबिट बैलेंस, मतलब चोरी से आपको उतना नुकसान हो गया या आपका गुड्स क्या हो गया, जल गया। तो किसी भी आपका एक्सपेंसेस का, नॉमिनल अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, इसका मतलब उस चीज पे अपना आपने उतना एक्सपेंस किया है या आपको उस चीज पे उतना लॉसेस हुआ है, राइट। अब देखिए उसके बाद क्या है, व्हेन नॉमिनल अकाउंट शो क्रेडिट बैलेंस, जब नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, इसका मतलब आपको उस चीज पे प्रॉफिट हुआ है या इनकम्स हुआ है, राइट। जैसे डिस्काउंट रिसीव 500 है, मतलब आपको डिस्काउंट मिला कितना 500, क्रेडिट बैलेंस होगा नॉमिनल अकाउंट से, बात समझे। इंटरेस्ट रिसीव्ड है मान लेते 200, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला 200। डिविडेंड रिसीव्ड है मान लेते 20,000, तो डिविडेंड कितना मिला आपको 20,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, यानी आपने क्या किया, असेट्स को प्रॉफिट पे बेचा, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, इसका मतलब आपको उस पे प्रॉफिट हुआ है, असेट्स
एसेट्स को बेचने पर, राइट। तो ये हो गया आपका कौन सा अकाउंट हो गया मेरा, नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट हो गया मेरा, नॉमिनल अकाउंट्स, राइट। ये कौन सा हो गया मेरा, नॉमिनल अकाउंट्स, राइट। अब देखिए आपका कुछ अकाउंट जो है अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, अकॉर्डिंग टू देयर नेम, उसका जो नाम है उसी से पता लग जाएगा कि वो आखिर क्या मैसेज दे रहा है, वो क्या आपका बोल रहा है। तो देखिए सब अकाउंट शो देयर बैलेंस अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। तो सबसे पहले देखिए अगर परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, इसका मतलब आपने परचेजेस कितना किया है, 1 लाख। मान लेते 1 लाख का परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो 1 लाख आपने गुड्स को खरीदा है। सेल्स मतलब सेल्स आपका अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, इसका मतलब आपने सामान क्या किया है, बेचा है। सेल्स रिटर्न यानी बेचा हुआ सामान कितने का वापस आया, तो सेल्स रिटर्न ये बताता है। परचेज रिटर्न खरीदा हुआ सामान कितने का आपने रिटर्न किया, तो वो बताता है कौन सा है आपका परचेज रिटर्न। बिल्स रिसीवेबल आपने कितना का रिसीव्ड किया वो बताएगा। बिल्स पेएबल आपने कितना का एक्सेप्टेड किया वो बताएगा। यानी कुछ अकाउंट अपने नाम से जाने जाते हैं, परचेज परचेज के बारे बताएगा, सेल्स सेल्स के बारे में, इसी तरह से ये सब है, राइट। तो ये क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था सर जी। इसके बिना कॉमर्स अकाउंट्स बिजनेस फाइनेंस क्या है, अधूरा है। तो ये तो आपको जानना क्या था, अति आवश्यक था, राइट। तो मैंने क्या किया, सभी के बारे में बता दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैंने ये मान लिया कि आपने स्क्रीनशॉट क्या किया होगा, ले लिया होगा। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।